सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, नसीर कुरैसी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। सूर्यामा के मौजूदा चौहान बस्ती में पीआरबी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पीआरबी पुलिस के जवानों ने भागकर जान बचाई है। पथराव से पीआरबी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मौजूदा चौहान बस्ती में आई बारात में मारपीट की सूचना पर पीआरबी 23:15 पहुंची थी। वैवाहिक कार्यक्रम में कुछ लोग गैर जनपद के भी मौजूद थे। इन्हीं लोगों के उस्काने पर मौजूदा चौहान बस्ती के लोग भी बहकावे में आ गए और पीआरबी पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पीआरबी 23:15 के हेड कांस्टेबल राधेश्याम की तहरीर पर सूर्यामा पुलिस ने राजा चौहान, पप्पू चौहान, कल्लू चौहान, नानक चौहान, रीता चौहान, मटरी चौहान, धुमेना उर्फ पगली सहित 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीआरबी पर किए गए हमले से मौजूदा के चौहान बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। पीआरबी टीम पर हमले के मामले में सूर्यामा पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चौहान बस्ती में आई बारात के दौरान कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई थी। कालर सुमारू चौहान की सूचना पर पीआरबी 23:15 मौके पर पहुंची थी, जहां टीम पर हमला कर दिया गया था। इस मामले में सूर्यामा पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मौजूदा के चौहान बस्ती निवासी सुमारू चौहान, नानक चौहान, दिलीप चौहान, सुभाष चौहान, राजाराम चौहान, रीता चौहान, गीता चौहान, रेखा चौहान व वाराणसी के पंचकोसी निवासी किशन चौहान, हड़िया निवासी धर्मराज चौहान व कछवा बाजार निवासी सूरज चौहान शामिल हैं। सूर्यामा पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हमले में पीआरबी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पीआरबी 23:15 पर तैनात पुलिस के जवानों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वैवाहिक कार्यक्रम में गैर जनपद से आए लोगों की करतूत से मौजूदा चौहान बस्ती के लोग फंस गए हैं। लौकुश मेले को लेकर आज सोमवार को भदोही जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि लौकुश मेले को लेकर आज 15 जुलाई दिन सोमवार को जिले के सभी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। सीतामढ़ी लौकुश मेले को लेकर भदोही जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्ट्रेट, तहसील, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। रविवार की शाम भदोही शहर में बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मेहंदी का जुलूस निकाला गया। भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ से मुहर्रम की 7वीं तारीख को मेहंदी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ढोल ताशे के साथ नौवा पढ़ते हुए युवा चल रहे थे। मेहंदी जुलूस को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। जुलूस स्टेशन रोड से लिप्पन तिराहा, एमए समद इंटर कॉलेज, पंजभैया, गौरियाना, जमुंद, कजियाना, कल्लनसा तकिया, मेन रोड, लिप्पन तिराहा होते हुए पुनः स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में खुफिया विभाग के अलावा सादे भेष में महिला व पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके में एक और चोरी की घटना घटी है। सेंध लगाकर चोरों ने हार्डवेयर की दुकान में हाथ साफ किया है। गोपीगंज कोतवाली के बगल रहने वाले कृष्णा जायसवाल रामपुर घाट रोड पूरे गुलाब इलाके में कृष्णा हार्डवेयर के नाम से दुकान चलाते हैं। सुबह 6 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के गलियारे की पटिया हटी थी और दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। यह देख कृष्णा जायसवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैश काउंटर में रखा 5,000 नगद, इन्वर्टर, बैटरी, पेंट, डिस्टेंपर सहित लगभग 2 लाख रुपए के सामान गायब थे। कृष्णा जायसवाल ने इसकी जानकारी फौरन गोपीगंज पुलिस को दी थी। मौके पर खोजी कुत्ता सहित गोपीगंज पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। दुकान के बगल गलियारे की पटिया हटाकर चोर दुकान के अंदर घुसे थे। धान रोपाई करने गए मजदूरों को दूषित मट्ठा पिलाने पर चौरी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चौरी के दत्तीपुर बहरी इलाके में कुछ बनवासी समाज के मजदूर राधेश्याम नामक व्यक्ति के यहाँ धान की रोपाई करने गए थे। आरोप है कि राधेश्याम ने दूषित मट्ठा दिया था। दूषित मट्ठा पीने से 2 दर्जन से अधिक मजदूर व उनके बच्चे बीमार हो गए थे।
सभी का इलाज सीएससी भदोही में कराया गया था। मजदूरों की तबीयत बिगड़ने से भदोही जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया था। अब दत्तीपुर बहरी निवासी पंचम की पत्नी रीता की तहरीर पर चौरी पुलिस ने दूषित मट्ठा देने वाले राधेश्याम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सवारियों से भरा एक बेकाबू तेज रफ्तार ई रिक्शा सड़क किनारे पेड़ से भिड़ गया। हादसे में एक बच्चा सहित तीन महिलाएं घायल हो गई हैं। हादसे के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया था। मामला भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड मूसी हरियाओं के बीच पेट्रोल पंप के समीप का है। ज्ञानपुर के रायपुर से कुछ महिलाएं भदोही शहर के रैमलपुर एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी। सभी महिलाएं ई रिक्शा से ज्ञानपुर की तरफ लौट रही थी। हरियाव मूसी पेट्रोल पंप के समीप ई रिक्शा पहुंचा, तभी बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे में रायपुर निवासी शेषधर दुबे की पत्नी अमृता दुबे, अनिल दुबे की पत्नी रेणु देवी, हृदय शंकर दुबे की पत्नी गिरजा देवी व विनय दुबे का 60 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ दुबे घायल हो गया है। सभी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। रीनू देवी को गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। अच्छी बारिश के लिए भदोही जिले में टोना टोटका शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे कालकलौटी खेलकर काला मेघा से पानी मांग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं। अच्छी बारिश के लिए दुर्गागंज के छनौरा गांव में ग्रामीण बच्चों ने कालकलौटी खेली है। गांव के ओम प्रकाश बिंद, अखिलेश लहरी, साजन, अंकित, भूपेंद्र, छोटू, सचिन जैसे बच्चों ने इंद्रदेव को खुश कर अच्छी झमाझम बारिश की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि भदोही जिले में अच्छी बारिश न होने से किसान परेशान हैं। भगवान भास्कर की प्रखर किरणें तन बदन को जहां झुलसा रही हैं, वहीं उमस से भदोही जनपद वासी परेशान हैं। भगवान इंद्रदेव को खुश करने के लिए छनौरा गांव के बच्चों ने पुरानी परंपरा को जीवित करते हुए कालकलौटी खेला है। मीटर रीडरों का वेतन व पीएफ लेकर भागने वाली कंपनी के एमडी के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही विद्युत वितरण खंड प्रथम के अंतर्गत भदोही में मीटर रीडर एक कंपनी के माध्यम से काम करते थे। मीटर रीडरों का 5 महीने का वेतन व 3 साल का पीएफ लेकर कंपनी अपना दफ्तर बंद कर भदोही से भाग गई है। मीटर रीडर अशरफ अहमद, इरफान, पंकज कुमार, सूरज कुमार, इरफान खान, इरशाद अफजल खान, अरुण संजय कुमार, रज्जब अली व जितेंद्र यादव की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने कंपनी के एमडी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लालानगर टोल प्लाजा के समीप सड़क पार कर रही एक महिला से बाइक टकरा गई। हादसे में महिला सहित बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। लालानगर निवासी नदीम का 20 वर्षीय पुत्र फरदीन बाइक से अपने 2 मेहमानों को छोड़ने लालानगर गया था, तभी एक महिला सड़क पार कर रही थी। राहगीर महिला से बाइक टकरा गई। हादसे में महिला सहित बाइक चला रहा फरदीन व 2 सवार घायल हो गए। सभी को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हादसे में बाइक चला रहा फरदीन गंभीर रूप से घायल हुआ था, बाकी 3 को मामूली चोटें आई थी। भदोही शहर के नुरखापुर मोहल्ले से दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। अकीदत व एहतराम के साथ निकले दुलदुल के जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। महिलाओं ने दुलदुल को दूध जलेबी खिलाया है। जुलूस आलमपुर, जल्लापुर नई बस्ती, इस्लामपुर, फरीदन तालाब, ईदगाह पहुंचा। उसके बाद नुरखापुर करबला पहुंचकर दुलदुल के फूल माला को ठंडा किया गया। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस विश्वकर्मा मंदिर इलाके में कुछ लोगों ने राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई खेत की मेड़बंदी को तोड़कर निर्माण कराने लगे। लाल साहब यादव ने विरोध किया तो इलाके के ही बनारसी सेठ व शिव प्रकाश सेठ ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे लाल साहब यादव के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। शिकायत के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने पिपरिस विश्वकर्मा मंदिर निवासी बनारसी सेठ व शिव प्रकाश सेठ के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 7 राज्यों में संपन्न हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली जीत से कांग्रेसियों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है। भदोही जिले के कांग्रेसियों ने दूसरे दिन भी ज्ञानपुर के गिरधरपुर जिला कार्यालय पर एक बैठक की। बैठक के बाद राहुल गांधी के पोस्टर व पार्टी झंडा लेकर ढोल बाजे के साथ कार्यकर्ता दुर्गागंज तिरमोहानी पर पहुंचे थे।
पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बाइक रैली भी निकाली थी। दुर्गागंज त्रिवाहनी पर पहुंचे कांग्रेसियों ने राहगीरों को मिठाई भी खिलाई है। इस मौके पर महबूद खान, जजलाल राय, हरिचंद दुबे, पंकज मालवी आदि मौजूद रहे। जंगीगंज धनतुलसी रोड को जोड़ने वाली सड़क की पटरी हल्की बारिश के बीच जलमग्न हो गई है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क की दोनों पटरियां पर पानी लग गया है। सड़क की पटरियां जलमग्न होने से व्यापारी काफी परेशान हैं। इलाके के ओम प्रकाश मुदनवाल, राजेश यादव, अनुज, सुभाष बिंद, कल्लू ने बताया कि सीतामढ़ी गेट के सामने सड़क की पटरियों पर पानी लगने की वजह से दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही सड़क से गुजरने वाले वाहन के पहिए से छींटा भी उड़ता है। व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पटरियों को साफ कराए जाने की मांग की है। पुरानी रंजिश में मोड़ बाजार के मकनपुर के रहने वाले राधेश्याम गौतम को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। इंद्रेश गौतम ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि कुछ लोग पुराने मामले में सुलह करने के लिए उसके पिता राधेश्याम गौतम को धोखे से करियाव के डुहिया गांव में बुलाया था। जैसे ही उसके पिता डुहिया गांव पहुंचे, तभी विपक्षियों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में घायल राधेश्याम गौतम के पुत्र इंद्रेश गौतम ने भदोही पुलिस से शिकायत की है। घायल राधेश्याम गौतम का इलाज भदोही पुलिस ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। जिला कारागार ज्ञानपुर में तैनात रहे राजेश वर्मा का तबादला हो गया है। अब सूबेदार यादव जिला कारागार के नए अधीक्षक होंगे। वाराणसी केंद्रीय कारागार में तैनात रहे सूबेदार यादव को जिला कारागार ज्ञानपुर में तैनाती दी गई है, जबकि ज्ञानपुर में तैनात रहे राजेश वर्मा को जिला कारागार मिर्जापुर में तैनाती मिली है। रविवार को जिला कारागार परिसर में विदाई व स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। नवगत जिला कारागार अधीक्षक सूबेदार यादव का जहां जोरदार स्वागत किया गया, वहीं राजेश वर्मा को विदाई दी गई। फूल माला, स्मृति चिन्ह, सीनरी बुके सहित उपहार भेंट कर राजेश वर्मा को विदा किया गया। नवागत जेल अधीक्षक के स्वागत में जेल कर्मियों ने जमकर ठुमके भी लगाए। इस मौके पर संजय राय, सुभावती देवी, आकांक्षी सालू, विपिन मिश्रा, अमरीश शर्मा आदि मौजूद रहे। ऊज संत बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों ने ऊज इलाके के दरवासी गांव में आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन कराया है। सत्संग का आयोजन दरवासी गांव निवासी मोहनलाल गुप्ता के आवास पर कराया गया था। प्रयागराज से सत्संग वक्ता रमाशंकर श्रीवास्तव जी पहुंचे थे। सत्संग सुनाते हुए बताया कि मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है। मानव जन्म मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। सत्संग में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सत्संग में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी, जहां शाकाहारी बनने की अपील भी की गई। सत्संग के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। सत्संग में प्रेम शंकर मौर्य, पंधारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, रवि, जगदीश चंद श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में बाबा जय गुरुदेव के भक्तगण मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरीज बरखंडी गांव में घायल अवस्था में राष्ट्रीय पंछी मोर पाया गया है। विद्युत तार की चपेट में आने से मोर घायल हो गया था। इलाके के अमित कुमार यादव ने इसका घरेलू उपचार कर इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी। सूचना पर वन विभाग के जन्मजय सरोज व महेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर घायल मोर को अपने कब्जे में ले लिया था। वृक्षारोपण अभियान के तहत डीह ब्लॉक के सीखापुर इलाके के लगभग आधा दर्जन स्थानों पर 101 पौधों का रोपण किया गया है। कृष्णा बाबा मिश्रा के नेतृत्व में सीखापुर गांव के नर्मदेश्वर महादेव प्रेम मंदिर सहित अमृत सरोवर तालाब, बगीचा खेत व प्राथमिक विद्यालय चकमानधाता जैसे स्थानों पर पौधरोपण किया गया। साथ ही वृक्षारोपण के फायदे बताते हुए पर्यावरण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की गई। इस मौके पर आयुष पांडे, अर्पित, अंकुल आदि मौजूद रहे। चौरी इलाके के जगदीशपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी ट्यूबवेल के विद्युत पैनल बोर्ड में आग लग गई। ट्यूबवेल भवन में मौजूद कर्मचारी व किसानों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। चौरी के जगदीशपुर ट्यूबवेल नंबर 519 के मोटर में खराबी आ गई थी। इसी खराबी को ट्यूबवेल के कर्मचारी ठीक कर रहे थे, तभी अचानक पैनल बोर्ड में आग लग गई। धू धू कर पैनल बोर्ड जलने लगा।
ट्यूबवेल भवन में मौजूद कर्मचारी व कुछ किसानों ने भागकर जान बचाई। हालांकि ट्रांसफार्मर से विद्युत तार को अलग कर पैनल बोर्ड में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।